नमस्कार दोस्तों, जी टीवी का सबसे पॉपुलर और सबसे हिट सोन में से गिने जाने वाला सीरियल हिटलर दीदी सीजन 2 में वापसी कर रहा है। आखिर कब वापसी कर रहा है ये भी मैं आप लोगों के बीच में आज बताने जा रहा हूँ। जिसके कि मुख्य एक्टर्स की बात की जाए तो रति पांडे का मुख्य एक किरदार देखने को मिला है, साथ में सुमित वेट्स काफ़ी अच्छे किरदार में, जो कि ऋषि के किरदार में काफ़ी फेमस हुए थे। आप लोगों को बताना चाहूँगा हिटलर दीदी सीजन 2 में एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ रहा है। काफ़ी टाइम से इस चीज़ का चर्चा था कि हिटलर दीदी के साथ साथ में और भी जो स्टार कास्ट है, यानी पुरानी स्टार कास्ट, वो भी साथ नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीका से सीजन 1 में रति पांडे ने हिटलर दीदी का किरदार निभाया था, वो सभी ने काफ़ी पसंद किया था। एक सख्त लड़की का किरदार निभाया था, उनका साथ दिया था जो कि सुमित वेट्स ने, सुमित वेट्स जो कि उनके अपोजिट नज़र आए थे। हालांकि पुराने स्टार कास्ट में अगर देखी जाए तो उनकी भाभी, उनकी मम्मी या फिर रति पांडे की खुद की बेटी का किरदार निभाने वाली एक्टर्स और स्टार कास्ट ने भी बहुत अच्छा साथ दिया था, जिसकी बदौलत हिटलर दीदी सुपरहिट हो पाया था। लेकिन एक बार फिर से हिटलर दीदी सीजन 2 में जो कि जी टीवी पर लौट रहा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रति पांडे के साथ साथ में सुमित वेट्स भी इस बार किरदार में अपने उसी किरदार में नजर आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि रति पांडे ने जिस तरीका से सुमित वेट्स के साथ में उनकी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, और पुराने स्टार कास्ट जितनी भी थी हर किसी के साथ में रति पांडे और सुमित वेट्स की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी, क्योंकि पुराने स्टार कास्ट हमेशा से ही नज़र आई थी और एक बार फिर से दोबारा फिर नज़र आएगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी टी वी पर लौटने के टाइम पर कि इनमें स्टार कास्ट कौन होने वाले हैं और इसका प्रमो कौन सा आने वाला है, क्योंकि जल्दी ही आपको एक बार फिर से प्रमो देखने को मिलेगा, प्रमो में जो कि रति पांडे और साथ में सुमित वेट्स की जोड़ी देखने को मिलेगी। हिटलर दीदी के किरदार में रति पांडे और साथ में बात की जाए सुमित वेट्स को शुरू से ही पसंद किया गया था। पुराने स्टार कास्ट की बात करते हैं तो पुराने स्टार कास्ट को भी रिप्लेस नहीं किया जाएगा, पुराने स्टार कास्ट ही नज़र आएंगी। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जी टी वी के साथ साथ में जी फाइव पर भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जी फाइव पर जो कि आप फ्री में ही देख पाएंगे हिटलर दीदी का सेकंड सीजन। साथ ही दोस्तों आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। जी हाँ, सुमित वेट्स को बिग बॉस 14 से भी ऑफर मिला था। बिग बॉस 14 जो कि रियलिटी शो 14 में सुमित वेट्स की एक काफ़ी अच्छी डिमांड थी, जो कि अच्छी खासी इनको पैसे के दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर लेने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से अपना अपकमिंग सीरियल हिटलर दीदी सीजन 2 के लिए उन्होंने नाम आगे बढ़ाया है। और आखिर कब आने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जी हाँ, जी टीवी का सबसे पॉपुलर और सबसे हिट शो में से गिने जाने वाला शो जो कि सीजन 2 में आएगा आपको, जो कि नए साल के बाद में इसका पहला प्रमो आप लोगों के बीच में आ जाएगा। पहले प्रमो की बात की जाए तो पहले प्रमो में आप लोगों के बीच में पुराने स्टार कास्ट के साथ साथ में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। नए चेहरे अभी कंफर्म नहीं हुए, लेकिन पुराने चेहरे की अगर बात की जाए तो मैन किरदार हिटलर दीदी का जो किरदार निभा रही थी एक्टर्स, रति पांडे सबसे सुंदर एक्टर्स में से गिनी जाती हैं। साथ ही बात की जाए तो सुमित वेट्स जो कि उनके अपोजिट नज़र आए थे, उनका किरदार सभी ने काफ़ी पसंद किया था और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में सुमित वेट्स ही नज़र आएंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप अपने फेवरेट कोई भी सीरियल या किसी भी तरीका की जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।